भाइयों और उनकी प्यारी बहनों, स्ट्रीट फूड क्या होता है? तत्काल सेवन के लिए गली या अन्य सार्वजनिक स्थानों पर विक्रेताओं द्वारा बेचा गया या तैयार किया हुआ भोजन स्ट्रीट फूड कहलाता है। तो जापान के स्ट्रीट फूड से पहले बात करते हैं जापान की स्ट्रीट्स की। वीकडे पर तो यहाँ कोई भी नहीं होता, लेकिन वीकेंड पे यहाँ शनि बाजार से ज़्यादा भीड़ होती है और सड़कें तो इतनी पिक्चर परफेक्ट कि किसी भी स्ट्रीट फोटोग्राफर को ऑर्गेज्म आ जाए। यहाँ की सड़कों पर भीड़ और टूरिस्ट के अलावा मिलते हैं स्ट्रीट परफॉर्मर्स, कुछ गाना गाते हुए तो कोई कॉस्प्ले करते हुए। लेकिन इन सबसे बेहतरीन लगते हैं मुझे यहाँ के शॉप के बोर्ड, मतलब इतने एक्सट्रीमली क्रिएटिव मतलब अत्यंत रचनात्मक। कुछ साइनबोर्ड देख के तो आप लोग फिर भी गेस कर लोगे कि क्या बेच रहे हैं, लेकिन कुछ को देख के तो दिमाग बफर होने लगता है कि साला बेच क्या रहे हो। अरे कहना क्या चाहते हो? अब जैसे ये सुशी बेच रहे हैं, ये बेच रहे हैं गोजा, ये बेच रहे हैं मछली, और ये ड्रैगन बेच रहा है रामेन, और ये स्पाइडरमैन बेच रहा है स्टेक। पता नहीं क्या ही मतलब है इसका। ये कुछ कात्सुका है और ये मैं अभी तक सोच रहा हूँ ये बेच क्या रहे हैं। लेकिन जो भी हो, इस तरह की प्रेजेंटेशन से जापानीज स्ट्रीट में जान आ जाती है। और कई रोड साइंस तो एनिमेटेड भी हैं, जैसे ये देखो, ये हिलता रहता है 24 घंटे। अब आते हैं यहाँ के स्ट्रीट फूड के ऊपर। तो यहाँ के जो खाने हैं वो सारे लगभग नॉनवेज ही हैं, और नॉनवेज सिर्फ चिकन तक सीमित नहीं है, अलग अलग प्रजाति मिल जाती हैं आपको, जैसे ऑक्टोपस, बेबी स्क्विड, पोक, फिश की खोपड़ी, साशिमी, श्रिम्प, मरा लॉबस्टर, अरे नहीं ये तो जिंदा है, जिंदा फुगू, मरी फुगू, स्नेल, स्कैलप्स, केकड़ा, और इनमें से कुछ उबल के सूप का रूप लेते हैं, लेकिन कुछ होते हैं ग्रिल, और साथ में ही दारू की वेंडिंग मशीन। अंकल जी फुल मौज लेते हुए। अब आते हैं ज़रा स्ट्रीट फूड पे। सबसे पहला फेमस स्ट्रीट फूड है वो है ताकोयाकी। ताको का मतलब होता है ऑक्टोपस और याकी का मतलब होता है फ्राइड। इसको साका का गोलगप्पा मान लो, सेम इज्जत है इसकी स्ट्रीट फूड की दुनिया में। तो इसको बनाने के लिए ऑक्टोपस के छोटे छोटे टुकड़े करके इन बॉल्स में डाले जाते हैं, और इनको सॉस या मेयोनीज के साथ परोसते हैं। ये फूड बहुत ही स्पीड से बनता है, इनके हाथ देखो कितने तेज चलते हैं, सच में फास्ट फूड है ये। अब इसको करते हैं ट्राई। यूजुअली मैं क्या करता हूँ, ऑक्टोपस इसके बीच से निकाल देता हूँ, क्योंकि वो ना कच कच करता है और स्वाद नहीं आते। सॉल्टी है। अब इसका टेस्ट मैं शब्दों में बयान तो नहीं कर सकता, लेकिन मानो कुछ क्रीमी सा, कुछ सॉल्टी सा। अब चलते हैं अपने अलग खाने के लिए ट्रेन पकड़ के कुरुमोन मार्केट, बहुत फेमस स्ट्रीट फूड मार्केट है ये। तो इस मार्केट का नाम है कुरुमोन मार्केट, ये स्ट्रीट फूड के लिए बहुत फेमस है। अपने यहाँ तो पानी पूरी वगैरह होते हैं ना, यहाँ बहुत अलग तरह के फूड हैं। यहाँ जो शॉप्स हैं वहाँ स्ट्रीट फूड आपके सामने ही लगा रहता है, आप जो बोलो वो बॉयल या ग्रिल करके आपके सामने सजा देते हैं, और ये फूड बहुत ही फ्रेश रहते हैं। किसी किसी शॉप के तो बगल में ही उन्होंने एक्वेरियम से बना रखा था, और आपके सामने ही पकड़ के उसे काट पीट के प्रिपेयर करते हैं। अच्छा, कहने को तो ये सी फूड है, लेकिन मेरे लिए सी फूड है, SEE वाला, क्योंकि इनको देख के पेट भर जाता है, क्योंकि जब इनको पकाते हैं ना तो ऐसी स्मेल आती है, पता नहीं मेरे तो नाक के बाली जल जाते हैं। तो नॉनवेज के नाम पे तो आपको बहुत सारी डिशेस मिल जाएंगी, लेकिन सब्जियों के नाम पे सिर्फ आपको मिलेंगे ये खीरा, गाजर, मूली, पत्ता गोभी, और ये सारे अचार हैं। तो इनको एक तरह से स्ट्रीट फूड तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ सड़क पे थे तो दिखा दिया। अब नॉन वेजिटेरियन मार्केट से मुंह मोड़ के चलते हैं कुछ मीठा खाने। जापान में स्वीट स्नैक्स बहुत ज़्यादा फेमस हैं, जैसे इंडिया में अपने अग्रवाल स्वीट्स है ना, वैसे यहाँ पे अपने मिठाई का कल्चर है। तो सबसे पहले आते हैं चॉकलेट में नहाए हुए ये केले, जिनको ऐसे सजाया जाता है जैसे आज इनकी स्वागरात हो। स्वाद कैसा है भाई? केले का टेस्ट है। ये मुझे स्ट्रीट फूड कम और धोखा ज़्यादा लग रहा था, 400 एन का एक केला कौन खाता है। नेक्स्ट जो स्नैक है वो जापान का बहुत फेमस स्नैक है, जिसका नाम है थाइयाकी। ये मछली के शेप में होता है स्नैक, और ये पूरा वेजिटेरियन है, इसमें कोई फीलिंग नहीं होती, लेकिन इसमें तीन तरह की फीलिंग होती है, रेड बीन्स, स्वीट पोटैटो और कस्टर्ड। और ये एकमात्र स्ट्रीट फूड है जिसका सेवन मैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करता हूँ। स्ट्रीट फूड हर जगह के अनहेल्दी होते हैं, चाहे अपना इंडिया हो या जापान, बहुत मीठा
अगला स्ट्रीट फूड जो आता है वो आता है चीज़ टार्ट। वैसे तो ये जापान का फूड नहीं है, लेकिन आजकल यहाँ बड़ा फेमस सा हो रहा है। इसके भी बहुत सारे फ्लेवर आते हैं। तो इन केक्स को यूजली क्या करते हैं, शुगर से कोट करते हैं और बर्नर से जलाते हैं। बहुत मीठा होता है ये, मेरे से तो इसके आगे कुछ खाया भी नहीं गया। मीठा और खट्टा। अब जैसे इंडिया में आढ़े तिरछे फेंटा मैगी टाइप फूड आ रहे हैं, ऐसा ही कुछ हाल जापान का भी है। जैसे ये एप्पल है, बस डिफरेंट फ्लेवर्स में डिप किया हुआ है और काट के दीदी बेच रही हैं। तो ऑथेंटिक फूड देखने को यहाँ कम मिलते हैं। असली स्ट्रीट फूड देखने हो तो अक्सर मात्सुरी में जाओ, या जैपनीज फेस्टिवल जो बोलते हैं, वहाँ बहुत अच्छे फूड मिलते हैं। अब ये सब खा खा के मेरा पेट तो भर रहा था और मेरा वॉलेट खाली हो रहा था। तो एंड में फाइनली हिम्मत करके मैंने एक फ्राइड चिकन ऑर्डर किया, और वो भी भाई साहब बहुत बड़ा था और बहुत ऑयली। तो एक दिन में जितना मेरे से खाया गया उतना तो मैंने खा लिया और रिकॉर्ड किया। इनके अलावा भी बहुत सारा खाना होता है जापान में, जैसे शियोयाकी। ये ग्रिल्ड फिश होती है और इसमें डंडी से आर पार करते हैं फिश को और बहुत ज़्यादा ग्रिल करते हैं, बहुत ज़्यादा नमक होता है इसमें। ओकोनोमियाकी, ये एक सेवरी पैनकेक टाइप का होता है। याकितोरी, ये अपना चिकन टिक्का मान लो, बस इसमें मीठी सॉस यूज़ करते हैं। और इकायाकी, इसमें ग्रिल्ड स्क्विड होता है। दांगो, ये राइस डंपलिंग होते हैं, इसमें हल्के से मीठे होते हैं। कलर तो इसके इंडिया के झंडे जैसा है, तो मेरा दंगो में हाथ तो नहीं था, लेकिन मेरे हाथ में दंगो है। तो अभी तो मैंने इतना ही रिकॉर्ड किया क्योंकि मेरा पेट एकदम फटने को हो रहा था। तो इन फ्यूचर कभी पेट में दोबारा गुड़गुड़ हुई तो दोबारा माथा टेकेंगे इन सड़कों पे और बनाएंगे सेकंड पार्ट स्ट्रीट फूड्स का किसी मात्सुरी या किसी अच्छी जगह पर।